क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट बोल दे रही हूँ वेलकम टू क्लास वनस अगेन एंड माइक्रो टीचिंग का ऑलरेडी दो पार्ट अपलोडेड है उसको देख लेना हो जाएगा कॉम्पोनेंट्स एंड इंट्रोडक्शन कैसे सब कुछ लिखते हैं पता है अभी अगर सपोज क्वेश्चन आता है बहुत बच्चों का डाउट आया कि क्वेश्चन कैसे आएगा तो रिलेटेड सम क्वेश्चन दिया है सो दैट इज जस्ट लाइक अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो कौन से ऑप्शन में आएगा तीन ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन ठीक है एंड ये तीन पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है बस इसके बाद और कुछ आगे नहीं करने से भी चलेगा आपको नीड नहीं है और ठीक है वट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग और माइक्रो स्किल ठीक है क्वेश्चन आएगा वट डू यू मीन बाई माइक्रो टीचिंग आप क्या समझते हैं सूक्ष्म शिक्षण से ठीक है एक्सप्लेन एनी टू स्किल्स ऑफ योर ओन चॉइस आपके हिसाब से दो स्किल्स लिखिए दो कौशल लिखिए ठीक है ये एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर उसके और में व्हाट इज़ माइक्रो स्किल माइक्रो स्किल क्या होता है डिस्क्राइब स्किल ऑफ़ इंट्रोडक्शन एंड स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग सो ऑलवेज ना छह स्किल्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं ठीक है वो छह स्किल्स के अंदर ही रिपीट होता है बाकी के लास्ट चार स्किल्स यूज़ नहीं होते जैसे कि ब्लैक बोर्ड यूटिलाइजेशन वो ब्लैक बोर्ड यूटिलाइजेशन बीबीडब्ल्यू वर्क में ही हो जाता है इसलिए उसके बारे में डिटेल कभी नहीं आता और एक क्वेश्चन है दैट इज क्लोजर स्किल ऑफ क्लोजर कैसे हम टॉपिक को एंड करते हैं उसके बारे में भी नहीं आता है क्योंकि लेसन प्लान में वो पढ़ लेता है तो ये तीन चार जो टॉपिक है हमें नहीं चाहिए जो इंपॉर्टेंट है उतने ही टॉपिक्स को हम लोग अभी कवर अप करेंगे स्किल्स के एग्जाम्पल के साथ सो वट इज़ माइक्रो स्किल डिस्क्राइब स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन एंड स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग ये प्रीवियसली भी दे दिया था दो तीन बच्चों ने दिखा दिया अच्छे लिखे हो ठीक है अभी देखो और एक टॉपिक बोला एलोसीडेट माइक्रो टीचिंग मतलब माइक्रो टीचिंग को एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन ठीक है स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है और एक स्किल है स्किल ऑफ़ री एन्फोर्समेंट ठीक है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चन प्रोविंग में बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो उसके लिए बाद में मैं मैंशन करूँगी उस चीज़ को भी अभी देखो क्वेश्चन में क्या हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये तीन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएगा कोई एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा मतलब छः स्किल आपको रिमेंबर करने हैं छः से ज़्यादा आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा सो सो यू हैव टू राइट अबाउट दिस टाइप ऑफ आंसर बाय पॉइंट वाइज ठीक है पॉइंट वाइज आप लिखेंगे कैसा आंसर है सो so आंसर में पहला तो आप इंट्रोडक्शन देंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग का आप इंट्रोडक्शन देंगे ठीक है तो माइक्रो टीचिंग में इंट्रोडक्शन देने के बाद याद करो डी डब्ल्यू uh, जो आपका क्या था डी डब्ल्यू वाइट दैट इज़ सॉरी डी डब्ल्यू एल इन जो आपके थे डाइट डब्ल्यू एलन जो थे उनका नाम मेंशन करना है ठीक है और uh, इंडिया में कब ये स्टार्ट हुआ था 1974 में स्टार्ट हुआ था एंड मीनिंग डेफिनेशन दे देना है डेफिनेशन कितना देंगे ओनली वन ओनली वन डेफिनेशन नीड है मीनिंग में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है माइक्रो टीचिंग आपके अकॉर्डिंग एंड साइकिल्स मेंशन करेंगे साइकिल्स uh, और होना चाहिए था और स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग ठीक है कौन से छह स्किल्स इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर दिया है आउट ऑफ टेन स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल ऑफ एक्सप्लानीशन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल ऑफ क्वेश्चन प्रूविंग एंड स्किल ऑफ री ठीक है स्किल ऑफ री देखो छह मैंने मेंशन किया है फिर से बोल रही हूँ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन

स्पेसिफिक स्किल जो भी आपने मेंशन किया है आपके टॉपिक में है तो मेरे टॉपिक में अभी मेंशन है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन टू स्किल मेंशन कर दिया मतलब इंट्रोडक्शन टू स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन पहले का जो पोर्शन था माइक्रो टीचिंग का वो सेम रहेगा सबके लिए जो भी क्वेश्चन आ जाए वो सेम रहेगा जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो टीचिंग और माइक्रो स्किल मीनिंग डेफिनेशन साइकिल ठीक है उतना कॉमन रहेगा एंड ये आंसर उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है अभी एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करी हूँ देखो नेम ये लेसन प्लान हो या पेडाकोजिकल एनालिसिस हो या माइक्रो टीचिंग हो कोई भी हो उससे पहले ये पोर्शन कॉमन रहता है एंड इसमें अराउंड वन से लेके वन टू टू मार्क्स रहते हैं अगर प्रॉपर से लिख दिया ठीक है मैंने पूरा स्पेसिफाइड कर दिया इससे ज़्यादा और स्पेसिफाइड वर्ड नहीं लिखने से भी चलेगा कुछ में तो और भी कम रहते हैं बट इतना लिखना मतलब बहुत ही तो आप नेम लिखेंगे name के आपका. आप बोलोगे नहीं मिला तो आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर होंगे एडमिट कार्ड में भी होंगे तो उसको लिखना है सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है आपका दो मैथड्स है मैथड वन एंड मैथड टू सो दोनों के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक लेके आपको प्रिपेयर करना है ठीक है मेथड वन अगर फिजिकल साइंस है फिजिकल साइंस है आप मेटल नॉन मेटल जैसा लाइक पुलिंग फोर्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन अभी क्या होता है ना फिजिकल साइंस में ओनली फिजिकल साइंस नहीं रहता वहाँ पर केमिस्ट्री में आपका मैंशन है क्योंकि पेडालॉजी ऑफ केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं होता ठीक है सो केमिस्ट्री से आप uh, इसलिए बोला मेटल नॉन मेटल भी लिख सकते हैं एसिड uh, बेस भी ले सकते हैं सॉल्ट एसिड बेस जो भी आपको लिखते हैं पी ले सकते हैं तो ये सब टॉपिक में आप लिख सकते हैं मैथ टू अगर मैथ्स हैं तो मैथ्स के कुछ भी टॉपिक्स आप यूज़ करो जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लो सब्सट्रक्शन एडिशन्स और बॉडमास रूल्स को कैसे यूज़ करते हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वन टू ऐसा जो भी आपका है टॉपिक यूज़ कर सकते हैं आपको बस याद रखना है कि क्लास सिक्स से लेके कर टेन के बच्चों के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो एनी ऑफ द क्लास आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना रहता है अभी टॉपिक लिख दिया सब्जेक्ट लिख दिया मैंने फ़िजिक्स मैथ्स बोला वैसे ही सोशल साइंस मतलब सोशल स्टडीज़ एंड इंग्लिश होगा हिंदी एंड सोशल साइंस होगा बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस हो सकता है बायोलॉजिकल साइंस इंग्लिश हो सकता है कंप्यूटर साइंस एंड आपका जो भी रहता है जैसे इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश या मैथ्स लिया है तो मैथ्स कॉमर्स का भी सेम है कॉमर्स इंग्लिश कॉम्बिनेशन या कॉमर्स इकोनॉमिक्स जो भी आपका कॉम्बिनेशन है ईच पैडागोजी के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ठीक है एक एक टॉपिक को लेके ऐसे स्किल्स छह स्किल्स को प्रिपेयर करने हैं पर्टिकुलरली फॉर योर एग्जाम ठीक है डेट अभी मेंशन करेंगे डेट क्या है ड्यूरेशन क्या है क्लास सेशन स्किल अभी देखो सेशन में दो पॉइंट होते हैं टीच रीटीच जब अगर पहली बार फॉर दर्स्ट टाइम यू हैव टू गिव योर इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन बोलो इंट्रोडक्शन ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या फिर डिलीवर कर रहे हो अपना टीचिंग प्रोसेस को देन इसको टीच बोलते हैं अगर ये सेकेंड टाइम आपने टॉपिक को रिपीट किया है देन इसको रीटीच बोलेंगे ठीक है टीच बोलेंगे रीटीच बोलेंगे अभी बोलोगे हिंदी बच्चे कि मैम इसको इंग्लिश में लिख सकते हो ऑब्वियस लिख सकते हो इतना पोर्शन आपके लिए इंग्लिश में होने से भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरेशन क्या है बिकॉज इट इज़ ए माइक्रो स्केल और माइक्रो टीचिंग ये फाइव टू टेन मिनट्स का होगा डेट जैसे मैंने आज का डेट डाला है एंड हम लोग जनवरी ओवर कर चुके हैं दिस इज आवर फेबररी मंथ सो फेबररी वन वन आज है one, two, 2024 हमने लिखा सेशन लिख आप सारे क्लास को मेंशन नहीं कर सकते, उसी स्किल का नाम पूरा लिखते हैं स्किल ऑफ़ इंट्रोडक्शन ठीक है क्या हम इतना क्लियर है थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको दे दिया इंट्रोडक्शन वाला आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इसलिए बार बार समझा रही हूँ देखो अभी क्या करना है डायरेक्टली अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हम टॉपिक को अनाउंस करेंगे सो so, कैसे लिखते हैं वो लेसन प्लान हो पेडागोजिकल एनालिसिस हो या माइक्रो टीचिंग हो कोई भी स्किल हो आपको ये चीज कॉमन रहता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक एंड सारे स्किल्स में अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता ठीक है इंट्रोडक्शन में अनाउंसमेंट चाहिए एक्सप्लानिशन में अनाउंसमेंट चाहिए एंड आप फर्दर देखते जाओगे किसके पॉइंट्स uh, में अनाउंसमेंट रहता है ठीक है सो so, देखो सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्योंकि आपका डे स्कूल्स ही रहता है नाइट नहीं है सो गुड इवनिंग नहीं बोलेंगे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कर दिया होप यू ऑल आर वेल और ऑल आर फाइन एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक टॉपिक को इन्वर्टेड कॉमा एंड कैपिटल में लिखने का कोशिश करिएगा स्मॉल में लिखोगे मार्क्स नहीं कटेगा बट कैपिटल लिखने से प्रोमिनेंट दिखता है मतलब देखो ना यहाँ पे अगर मैं कैपिटल लिख देती प्रोमिनेंट हो जाता एंड आप बहुत ही जल्दी कैच करते कि हाँ टॉपिक ये है इसलिए कैपिटल लिखना कैपिटल लेटर्स में लिखो बेटर रहेगा ठीक है सो so, हम लोग क्या बोल सकते हिंदी में सुप्रभात बच्चों ठीक है बच्चों बोलो तो बेटर है आशा करते हैं कि आप सब अच्छे रहेंगे और अच्छे हैं और आज का हमारा विषय है हमारा मेरा नहीं है हमारा विषय है जो भी आपका विषय का नाम है वो विषय आप लिखेंगे ठीक है अभी देखो प्रेजेंटेशन मैंने कुछ ब्लैंक दिया हुआ है क्योंकि ब्लैंक आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्या लिखना है इसलिए प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन क्या होता है जहाँ पे आपको कंटेंट एनालिसिस आप अगर बुक भी चेक करेंगे ना तो वहाँ पे कंटेंट एनालिसिस पोर्शन तो नहीं दिया गया बट क्या है ना अगर कंटेंट याद नहीं रहेगा तो टीचर्स एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी आप भूल जाएंगे इसलिए मैंने बेटर समझा कि आप कंटेंट एनालिसिस दे दो अभी बोलोगे मैम कंटेंट एनालिसिस में देना क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर के बारे में लिखना है जो आपने टॉपिक चूज किया है उसका ओनली वन और टू पैराग्राफ याद करने हैं ठीक है टू पैराग्राफ आप बोलोगे मैम इतने सारे टॉपिक प्रिपेयर करें क्या नहीं ओनली एक मैथड से एक दो टॉपिक को प्रिपेयर करो जस्ट लाइक like अगर सोशल साइंस है कॉन्स्टिट्यूशन रिवर इंडियन मैप फेस्टिवल्स ऐसा प्रिपेयर करें लैंड स्लाइड्स और ड्रॉट जो टॉपिक ईजी है ये जो टॉपिक मैंने अभी बोला ना जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो गए या फिर हो गए पता है ये टॉपिक्स आप ईवीएस में भी यूज कर सकते हो साइंस में भी यूज कर सकते हो बायोलॉजिकल साइंस में भी यूज कर सकते हो इवन इव आप फिजिकल साइंस में भी यूज कर सकते हैं ऐसे टॉपिक्स ठीक है सो so, वन से टू पैराग्राफ उस टॉपिक के रिलेटेड आपको याद रखना है जैसे मैंने बोला इन टॉपिक्स के लिए इन सब्जेक्ट्स के लिए वैसे मैथ्स में भी स्पीय से ले लो Uh, या फिर ट्राइंगल मैंस्रेशन uh, या फिर एरिथमेटिक uh, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ को लेके एंगल्स ऐसा कुछ भी क्वेश्चन इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश में जैसे नाउन एडवर्व वर्ब एडजेक्टिव ऐसा बोल सकते हैं या फिर और टॉपिक्स है प्रोज पोइट्री अब बोलोगे मैम प्रोज का पूरा कैसे याद रखें प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा वन पैराग्राफ पूरा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो कुछ ऐसा स्टोरी ले लो ना प्रोज मतलब तो स्टोरी टाइप है तो एक पैराग्राफ स्टोरी पूरा याद रखना है ठीक है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है एटलीस्ट ना एक स्टोरी को अभी से डेली रीडिंग करना स्टार्ट करो बिकॉज आपके लेसन प्लान में भी तो स्टोरी चाहिए एंड पेडागोजिकल एनालिसिस में भी चाहिए अगर स्टोरी भूल जाओगे भूल जाओगे लगता है तो पोएट्री पढ़ो पोएट्री करो अगर शॉर्ट uh, टॉपिक्स के लिए प्रोज पोएट्री हो जाता है तो लॉन्ग टॉपिक के लिए आप ग्रामर से भी चूज़ कर सकते हैं तो कभी कभी ऐसे से भी हम लोग टॉपिक ले सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसेस के ऊपर हो गया और क्या टॉपिक बच गया सब्जेक्ट बच गया केमिस्ट्री फिज़िक्स का मैंने बोल दिया बायोलॉजी से बायोलॉजी ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है मतलब सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत ही चीज़ें थी ऐसे रहते हैं जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हार्ट किडनी जो भी आपको चॉइस में है क्या होता है ना बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप डायग्राम्स बहुत ज़्यादा बना सकते हो जस्ट लाइक फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली कुछ करके दिखा सकते हैं बट बायोलॉजी में पिक्चर्स डाल दो तो वो रेंज बढ़ जाता है उसी को देख के आप दस लाइन लिख सकते हो ये पॉइंट है तो ऐसे टॉपिक चूज करना है जहाँ पर आपको लिखने को पॉइंट्स मिले ठीक है सो वन टू टू पैराग्राफ आप में, मतलब याद रखेंगे ना जितने स्किल्स हैं उसमें भी यूज कर सकते हो लेसन प्लान में भी यूज़ कर सकते हो पेडागोजिकल एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं अभी देखो कंटेंट एनालिसिस में डायरेक्ट जो भी सब्जेक्ट मैटर है पूरा लिख दिया है वन पैराग्राफ अभी टीचर्स एक्टिविटी तो टीचर क्या करेंगे बिकॉज दिस इज अ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन सो टीचर विल एक्सप्लेन ऐसा लिख सकते हैं कि टीचर डिस्कस और टीचर विल एक्सप्लेन द सो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लिख के डॉट डॉट देके आप कंटिन्यू कर सकते हो इंट्रोडक्शन है तो प्रीवियस नॉलेज भी जानना पड़ेगा इसलिए आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं डू यू रिमेंबर दिस टॉपिक डू यू नो और डू यू हर दिस टॉपिक नेम बिफोर ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या आप विषय को जानते हैं और इस जो कहानी को आपने सुना हुआ है और सुना है तो क्या कितना जानते हो बताओ तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे अगर स्टूडेंट्स नोट डाउन करें तो स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली केयरफुली एंड नोट डाउन इट नोट डाउन इट इन द कॉपीज ऐसा लिख सकते हैं नोटबुक हो गया बोलोगे अभी ब्लैक बोर्ड वर्क में मैम क्या करें ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है जो भी कंटेंट रहता है उसका नाम तो पहले लिखते हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करना या साइकिल है या चार्ट का यूज़ किया उसको लिखना पड़ता है ठीक है इतना हो गया अभी देखो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में आपको याद रखना है कि इसको ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में तीन पार्ट्स होते हैं ठीक है देखो तीन पार्ट्स होते हैं सीरियल नंबर वन टू थ्री फो फाइव जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कॉम्पोनेंट्स एंड रेटिंग स्केल एंड रेटिंग स्केल ठीक है सो इसमें क्या क्या है देखो एटेंटिवनेस एटेंटिवनेस पहला पॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ पी के दैट इज अ प्रीवियस नॉलेज टेक्निक्स एंड डिवाइसेस क्या टेक्निक्स का हमने व्यवहार किया बिकॉज टीचिंग इज ए टेक्निक टीचिंग इज ए टेक्निक डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स के थ्रू पढ़ाया जाता है जैसे कि इंटरेस्टिंग लगे ठीक है समटाइम्स आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू क्लासरूम इन्वॉर्मेंट और हाउ टू यूज़ सम पीडियस और हाउ टू यूज़ अ चार्स और हाउ टू पुट सम एफर्ट्स बिफोर द स्टूडेंट हमें भी लगाना पड़ता है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा जैसे कि आपके क्लास से बिफोर आज मुझे ये पूरा लिखना पड़ा ठीक है चार पेज पूरा लिखा फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट करें तो एफ़र्ट्स लग रहा है ऑब्वियस है प्रेजेंटेशन कैसा देना है कैसे बातचीत करना है कैसे हम पॉज लेके आपको बताएं तो आप समझ पाओ ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है टेक्निक एंड डिवाइसेस हो गए डेवलपिंग इंटरेस्ट बच्चों में इंटरेस्ट का डेवलप्ड हुआ कि नहीं एंड मोटिवेशन मोटिवेशन ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर रेटिंग स्केल मैंशन हुआ वन टू थ्री फोर फाइव अगर किसी भी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो रहा है मैम क्या वन से ही स्टार्ट होगा आप चाहो तो ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो कोई पॉइंट मतलब प्रॉब्लम नहीं है इस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप लिख दो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना है क्या टीचर जब पढ़ा रहे थे स्टूडेंट एटेंटिव थे क्या नहीं यस, yes, so हमने दिया कितने रेंज में थे आपको लग रहा है तीन है चार है आप उसी में टिक करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज बिकॉज हम जब क्लास में इंट्रोडक्शन करवाते हैं मतलब कोई भी टॉपिक को बताते हैं उस विषय का आरंभ करते हैं सो वी नीड सम प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड हमें अज्यूम करना पड़ता है कि बच्चों को कितना पता है वट अमाउंट ऑफ नॉलेज दे हैव इन दर माइंड रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट उस कंसेप्ट से रिलेटेड उनके माइंड में कितना नॉलेज है तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अगेन यहाँ पे हम टिक करते हैं यहाँ पे रॉन्गली मैंने दो टिक कर दिया है सो so ये जो टिक है ना यहाँ पे होना था एंड ये टिक इधर है ठीक है यूटिलाइजेशन ऑफ़ प्रीवियस नॉलेज हुआ है कम्प्लीटली टेक्निक एंड डिवाइसेस अच्छे से यूज़ किया गया है डिफरेंट टेक्निक्स का एंड डिवाइसेस का भी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप किया है टीचर के पढ़ाने से सो दैट फोर एंड मोटिवेशन मैंने आ, मतलब हमारे क्लास में मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा था बच्चे मोटिवेटेड भी हुए हैं सो so मैंने चार दिया आप चाहो तो पाँच भी दो तीन भी दो आपके अकॉर्डिंग कितना रेंज में है वो आप जानते हो जैसे आप लोग कोई भी खाना ऑर्डर करने के बाद रेटिंग देते हो कोई भी चीज़ें खरीदने बाई करने के बाद रेटिंग देते हो वही चीज़ है ठीक है, गुड बेटर बेस्ट बैड जो भी आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहते हो पोर वेरी पोर मतलब ऐसे ऑप्शन भी लिख सकते हो वन टू थ्री फोर की जगह पे ठीक है क्या हम इतना समझ पाए क्लियर है ये संडे के क्लास में इतना हम लोग कर चुके थे संडे नहीं संडे के प्रीवियस क्लास में कर लिया था राउटकला में सो दैट इज माइक्रोस्किल देखो माइक्रो स्किल कैसा लिखा स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा थ्री टू फोर लाइन का इंट्रोडक्शन देना है उस स्किल के बारे में ठीक है दैन इसके जो फाइव कंपोनेंट्स हैं एटेंटिवनेस यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज टेक्निक एंड डिवाइसेस डेवलपिंग इंटरेस्ट मोटिवेशन हो गया इसको कैसे लिखते हैं देखो एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है नेम है खुश आ, खुशनुमा परवीन रोल नंबर दिया सब्जेक्ट लिखा टॉपिक यहाँ पे मैंने टॉपिक वहाँ पे चूज़ किया था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया बिकॉज सब सारे फिजिकल साइंस के स्टूडेंट बायोलॉजिकल साइंस और uh, जो सोशल साइंस है उनका ये टॉपिक कॉमनली ई में आ ही जाता है क्लास फाइव फोर में फाइव फोर में सिक्स में भी आ जाता है इसलिए ये ऐसा टॉपिक को चूज़ किया गया था डेट मेंशन किया गया क्लास मेंशन किया गया ड्यूरेशन फाइव टू टेन मिनट्स का है सोचो एक पेज से ज़्यादा लिखोगे तो पाँच मिनट में पढ़ा नहीं सकते पाँच मिनट देखते देखते चला जाएगा इसलिए एक पेज का ही प्रेजेंटेशन रहना चाहिए स्किल्स स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा सेशन लिख दिया अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो गया प्रेजेंटेशन देखो पहले कंटेंट देन पीटीज एक्टिविटी जब ना पी एक्टिविटी में आपको लगे कि टॉपिक को रिपीट करना पड़ रहा है मतलब ये जो हमने कंटेंट में लिखा था वो रिपीट करना पड़ रहा है सो पी टी डिलीवर द थाट ऑफ रिपब्लिक डे क्योंकि मैंने यहाँ पे फेस्टिवल्स बोला है तो कोई भी फेस्टिवल्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सो रिपब्लिक डे के बारे में हम लोग एक लाइन लिख के ऐसे डॉट डॉट दे सकते हैं जब रिपीट रहता है चीज़ ठीक है स्टूडेंट्स एक्टिविटी स्टूडेंट लिसन इट केयरफुली एंड नोट डाउन इट प्रॉपरली ठीक है नो डाउन इट प्रॉपरली एंड उसके साथ ब्लैक बोर्ड वर्क दे दो अगर ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं देना है चलेगा क्योंकि ब्लैक बोर्ड वर्क नॉर्मली पाँच मिनट के क्लासेस के लिए नहीं होता है बट फिर भी एक दो जगह पे अगर कभी नीड होता है क्योंकि लेसन प्लान्स हैं तो ब्लैक बोर्ड वर्क को ऐड कर सकते हो ठीक है देखो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल दिया हो गया अभी नेक्स्ट चले नेक्स्ट और एक टॉपिक को चलते हैं दैट इज द स्किल ऑफ एक्सप्लानेशंस ठीक है स्किल ऑफ एक्सप्लेशन देखो नेक्स्ट स्किल के ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो स्किल ऑफ एक्सप्लेशन में क्या लिखा ना एक्सप्लेशन इज ए भर्बल एक्शन ये याद रखना एक्सप्लेशन क्या है एक भर्बल एक्शन स्किल है इन विज द टीचर ट्राइज टू सेटिस स्टूडेंट क्वेरीज एक्सप्लान है ना क्यों एक्सप्लेन करते हैं आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसका आंसर देती हूँ देखो अगर क्वेश्चन मैं पूछूँ आप आंसर दे रहे हो दैट इज कॉल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग अगर आप क्वेश्चन पूछे मैं एक्सप्लेन करूँ तो दैट इज अ स्किल ऑफ एक्सप्लानशन ठीक है टीचर एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज दे हैव द नॉलेज अबाउट दिस कंसेप्ट सो अबाउट एनी कॉन्सेप्ट जो भी कंसेप्ट आप पूछ रहे हो एंड उसका क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दे रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर क्वेश्चन मैंने पूछा आप आंसर दे रहे दैट इज कॉल्ड स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड जब स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग के थ्रू डिजायरेबल चेंजेस बच्चों में आए डिजायरेबल रिजल्ट हो दैट इज कॉल्ड स्किल ऑफ क्वेश्चन प्रोविंग समझना पड़ेगा हमें ठीक है सो so, ये कैसा हुआ क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हो एंड मैं आंसर दे रही हूँ तो मेरे वॉयस का यूज हो रहा है सो दैट इट इज कॉल्ड द दर्बल एक्शन स्किल ठीक है इन विज द टीचर ट्राइज टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट क्वेरीज आपके जो डाउट्स होते हैं क्वेरीज होते हैं क्वेश्चन होते हैं उस रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें क्वेरीज में क्या हो सकता है रिलेटेड टू कंसेप्ट विषय वस्तु के बारे में हो सकता है विषय के बारे में हो सकता है प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में हो सकता है थ्योरीज के ऊपर भी हो सकता है लॉ एंड आइडियाज जो नियम हैं और जो गुण पूछे जाते जो भी हमारे विस्तार विस्तृत रूप से पूछे जाते उसके बारे में हम बता दें इसमें ग्यारह कॉम्पोनेंट्स हैं इलेवन कॉम्पोनेंट्स कल पढ़ लिया था सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लुएंसी एंड वॉइस चेंज ऑडिबिलिटी बिगनिंग स्टेटमेंट रेलिवेंट स्टेटमेंट हारमोनी इन प्रेजेंटेशन फोकसिंग ऑन एसेंशियल पॉइंट्स रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल विद य यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया एंड एंड रिपीटेशन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अभी क्या है यहाँ पे आपको क्या लिखना है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन में क्या देना है पीटीज एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी ब्लैक बोर्ड वर्क इतना ही तीन होगा तीन पार्ट होगा ठीक है प्रेजेंटेशन देखो इतना गया एक पेज मैंने बोला है तो एक पेज ही हुआ है ठीक है पीटीज एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी बीबीडब्ल्यू पीटीज एक्टिविटी देखो यहाँ पे ना कंटेंट लिखना ही नहीं पड़ता कंटेंट आपके माइंड में रहेगा ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन में कंटेंट का यूज किया था वही कंटेंट को पकड़ो एंड लिखना स्टार्ट करो देखो पीटी विल टेल एंड एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ फेस्टिवल पीटी क्या बोल रहे हैं क्योंकि मेरा टॉपिक अभी मैंने चूज करके लिया था फेस्टिवल्स रिलेटेड सो वही टॉपिक चल रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड टेल देर आर मेनी एंड क्या बोल रहे हैं ना देर आर मेनी फेस्टिवल इन इंडिया बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं इंडिया में एंड विच आर सेलिब्रेटेड टू शेयर द हैप्पीनेस एक्चुअली हम लोग फेस्टिवल क्यों मनाते हैं कि शेयर करने के लिए हम खुशियाँ बांटने के लिए करते हैं खुशियाँ को बांटते हैं खुशियों को बांटते हैं एंड कल्चर को भी बांटते हैं कला कला संस्कृति को हम एक्सचेंज करते हैं इंटीग्रिटी करते हैं इंटीग्रेशन में ले आते हैं ये पॉइंट लिखा तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या करेंगे स्टूडेंट लिसन इट केयरफुली नो डाउन इट प्रॉपरली इसी चीज़ को अगेन आप ब्लैकबोर्ड वर्क में लिखेंगे सो so, फेस्टिवल आ, क्या करता है ना फेस्टिवल आ, यहाँ पे फेस्टिवल का पिक्चर और चार्ट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ़ फेस्टिवल्स के बारे में रहता है याद करो क्लास सिक्स सेवन में जब फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते थे सो आपका ना एक पेज पूरा फुल होता था जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल डिफरेंट स्टेट्स के होंगे एंड उसमें मैंशन होता था कब हम लोग क्या सेलिब्रेट करते थे तो वही आपको चार्ट यहाँ पर यूज़ करना है ठीक है यहाँ पर मतलब ब्लैक बोर्ड में देना पड़ता है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया ठीक है फिर देखो पी टी विल गिव द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फेस्टिवल विथ चार्ट पेपर टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड देखो आपको छोटे बच्चों को समझाना है आप लोग तो बड़े हो समझ जाओगे बट उनके माइंड में कोई और, मतलब पिक्चर क्लियर नहीं होता कि कौन सा टाइप का आएगा क्या आएगा तो इस रिलेटेड फेस्टिवल का चार्ट यूज कर लेना है एंड चार्ट इसलिए यूज करना है कि बच्चों को समझ आए explain डिफरेंट रिचुअल्स अभी क्या होता, ना? Different festivals different होता है ना डिफरेंट फेस्टिवल्स के डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं नियम होते हैं कुछ प्रैक्टिसस होता है तो उस प्रैक्टिसस को कैसे किया जाता है कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं वो लिखना हो गया एक पेज का हमने दे दिया अभी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फिर से किसके लिए एक्सप्लानेशंस के लिए क्या है देखो जो पॉइंट्स ग्यारह पॉइंट्स वहाँ पे लिखा गया था वही हमने लिखा है सिंपल एक्यूरेट लैंग्वेज तो उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दिया फाइव इफेक्टिव एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो पढ़ाने के टाइम पे हमने इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट किया बच्चों को कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा बच्चों को बस डिलीवर किया बट अच्छे से डिलीवर किया चार्ट पेपर का यूज़ करके सो दैट यहाँ पे फोर मैंने दिया फ्लुएंसी एंड द वॉइस चेंज उसके लिए फाइव दिया वॉइस चेंज टीचर का हो रहा है कि नहीं कभी कभी होता है ना स्टार्टिंग uh, कर रहे हो बच्चों का इंटरेस्ट और अटेंशन गेन करने के लिए वर्ड्स को बहुत ही हैवीली बोलना पड़ता है या फिर जोर से बोलना पड़ता है कभी फिर अगेन थोड़ा धीरे बात करना पड़ता है कभी अगेन थोड़ा ड्रामेटिक वे में भी बोलना पड़ता है तो इसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा फ्लुएंसी एंड वॉइस चेंज वॉइस चेंज हो रहा है ऑब्वियस है फ्लुएंसी है क्योंकि ये बह रहा है फ्लुएंसी क्या होता है जस्ट लाइक like, एक रिदम में चल रहा है डिटेल 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 सो दैट इज़ अ मैंने इसको फाइव दिया ऑडिबिलिटी सुन पा रहे हैं अच्छे से सो दैट फाइव बिगनिंग स्टेटमेंट यस ऑब्वियस बहुत अच्छे से बिगनिंग स्टेटमेंट का यूज हुआ रेलिवेंट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट यूजफुल है उसका भी यूज़ हुआ हारमोनियन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन भी हमने बैलेंस में किया है फोकसिंग ऑन एसेंशियल पॉइंट जो ज़रूरत के पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया पाँच मिनट का होता है माइक्रोटिचिंग इसलिए ज़रूरत के चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया इसलिए फोर दिया रेलिवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल्स इसलिए बोला फेस्टिवल का एग्जाम्पल दिया गया चार्ट पेपर का यूज़ करके वो अप्रोप्रेट मीडिया भी यूज़ हो रहा है सो टी एल एम है वो टीचिंग लर्निंग मैटेरियल और इंस्ट्रक्शनल एड्स इसलिए पाँच पूरा दिया प्लान एंड रिपीटेशन ई बच्चों को समझ नहीं आया तो आप पिक्चर का यूज़ करके फिर से रिपीट करेंगे तो ये हो गया आपका फोर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए मतलब अंत में स्टेटमेंट ऐसा दो कि वो कंक्लूड भी हो जाए उससे आगे और कुछ पढ़ाना ना पड़े ठीक है तो ये है आपका एक्सप्लानीशन स्किल ऑफ एक्सप्लानेशन क्या क्लियर है ठीक है देखो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग अगर क्वेश्चनिंग आता है तो क्या लिखोगे सो so, वही है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग मतलब अगेन क्वेश्चनिंग के रिलेटेड इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन कल पर आता टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं लिखना है लेवल्स ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं लिखना है ऑनली इंट्रो देना है कि क्वेश्चन क्यों यूज करता है एक टीचर क्लासरूम्स में फोर टू फाइव लाइन्स के अंदर खत्म करोगे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन सॉरी स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट कॉम्पोनेंट्स लिखोगे उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया ठीक है सो एग्जाम्पल्स में अगेन सेम क्या है बताओ सो दैट इज नेम रोल नंबर सब्जेक्ट टॉपिक ड्यूरेशन डेट क्लास सेशन स्किल हो गया पता है आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ यहाँ पे एक लाइन आपको नोट करने के लिए बोली हूँ ये चीज़ फिर से लिख मत देना कॉपी में क्या लिखा है यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ ऑफ योर टॉपिक आपको सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे लिखना है भी ठीक है सब्जेक्ट मैटर कहां लिखना है यहां पे लिखना है तो सब्जेक्ट मैटर में आपको बस वन पैराग्राफ आपके टॉपिक से यहाँ पे लिख देना है ठीक है अंदर नहीं लिखना है प्रेजेंटेशन में नहीं लिखना है यहां पे लिखना है ठीक देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दट टॉपिक दिस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अंडरलाइन करना कैपिटल लेटर में लिखोगे ठीक है प्रेजेंटेशन ये पैटर्न देखो ना पैटर्न इज सेम विद द क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन प्रूविंग के साथ सेम है

जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसका आंसर अगर आप देते हो तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन प्रोविन ठीक है क्वेश्चन प्रोविन सो फटाफट देख लो पीटीज एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी बोलोगे मैम ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं करना नहीं करना है एंड याद रखना कि एटलीस्ट ये लिखा गया है साइड में कट गया दिस पार्ट विल बी

ठीक है क्वेश्चन प्रूविंग एंड क्वेश्चनिंग सेम है अब देखो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जितना ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में मेंशन है सब कुछ लिखना है ठीक है फ्रेमिंग द क्वेश्चन दो पार्ट में ये लिखा गया था तो दो पार्ट में लिखेंगे जीरो से स्टार्ट हुआ फाइव तक पॉइंट है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव फ्रेमिंग द क्वेश्चन इसमें कितने पॉइंट है छह पॉइंट पर्पजफुल रेलिवेंसी क्लैरिटी ब्रीफ और कंसाइजनेस ग्रामेटिकली करेक्ट थॉट प्रोवोकिंग थाट प्रोवोकिंग आपके अंदर ये चीज़ आना चाहिए कि uh, मुझे आंसर देना है देना है देना है दैट इज़ अ थाट प्रोवोकिंग सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है ठीक है नेक्स्ट क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन देखो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन एक पार्ट में जब आप पढ़ाते हो ना सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही दस क्वेश्चन पर पूछ लेना इंट्रोडक्शन से तीन क्वेश्चन हुआ तीन चार क्वेश्चन कंसेप्ट से चार पाँच क्वेश्चन Uh, अगर कोई मैकेनिज्म है उसमें दो तीन क्वेश्चंस एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में अगेन दो तीन क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक ही पार्ट से आपको अच्छा लग रहा है ईजी लग रहा है तो दस क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसा नहीं है पूरे टॉपिक को जैसे होता है ना एक डांसर पूरे स्टेज को कवर करता है डांस के टाइम पर तो एक टीचर भी क्या करेगा पूरे टॉपिक को रिकैपिचुलेट कर रहा है कि कितना आप समझ चुके हो इसलिए पूरे टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछेगा एक पार्ट से नहीं ठीक है चलो सो इसके बाद आप इसको लिखना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस मैंने दिया कि टीचर ने यहाँ पे आ, अच्छा किया है परफॉर्म बट तीन मैंने दिया है कन्वर्सेशनल लैंग्वेज ऑलवेज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज और कम्युनिकेशन लैंग्वेज इजी होना चाहिए मेड इट इजी मतलब अगर आप प्रोसेस को इजी करना चाहते हो देन आपका लैंग्वेज इजी होना चाहिए टीचर वॉइस इज अ पावरफुल इक्विपमेंट फॉर ए टीचर ठीक है एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है वॉइस अगर उसका वॉइस नहीं है तो वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाता ठीक है वॉइस ऑफ द टीचर ऑडिबिलिटी सुनाई दे रहा है कि नहीं चेक करने के लिए स्पीड एंड पॉज देखो हर एक बच्चे का समझने का कैपेसिटी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और जो एक होता है ना ग्रिपिंग ग्रिपिंग आता है सो so, उसका कैपेसिटी ग्रास्पिंग करने का जो कैपेसिटी है वो स्लो हो सकता है फास्ट हो सकता है ठीक है कि कुछ बच्चे होते हैं कि जल्दी जल्दी बात करते हैं स्पीड 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 कुछ टीचर्स भी वैसे ही होंगे कुछ टीचर्स uh, ऐसे भी होंगे बहुत स्लो बात करते हैं सो so, बच्चों के अकॉर्डिंग आपको अभी चेंज करना है खुद के टीचिंग को मॉडिफाई करना है कि कहाँ पे पॉज देना है कहाँ पे बोलना है स्पीड एंड पॉज मेंटेन करना है टीचर बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट टीचर बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है टीचर बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट इतना आपको टिक कर लेना है ठीक है ये आपका क्वेश्चनिंग यहाँ पे देखो क्वेश्चनिंग आएगा वेट oh, ये स्की, पहला स्किल में हम मैंने क्वेश्चनिंग लिख दिया था एंड ये पता है ये कुरुक्षेत्र का कॉपी था ठीक है कुरुक्षेत्र में जब हम लोग थ्योरी लिखते हैं थ्योरी बोल रहे हो प्रैक्टिकल लिखते हैं तो उसमें ये सब ऐसे मेंशन करना पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्किल पहले आ गया क्वेश्चनिंग वाला ऐसा कुछ नहीं है, हैपोजेट आप लोग लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग में देखो अगेन नेम रोल नंबर सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट मैंने क्या चूज़ किया है मेरा था बायो एंड इंग्लिश तो सब्जेक्ट इंग्लिश है टॉपिक मैंने चूज किया था आर्टिकल्स स्किल क्या है क्वेश्चनिंग टाइम दिया फाइव मिनट्स क्लास है एट क्लास बट यहां पे ना मैंने दो चीज नहीं लिखा है एक है डेट ठीक है ड्यूरेशन जो है टाइम वही है एक है सेशन सेशन तो ये दोनों ऐड करना है आपको ठीक अभी देखो सेम चीज है पीटीज एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी तो आपको कैसे पूछना है सो so, आर्टिकल्स के रिलेटेड हम लोग अभी पूछ रहे सो so, मैंने लिखा है नंबर वन येसट डे वी नीड अबाउट आर्टिकल्स सॉरी सॉरी वी रीड अबाउट आर्टिकल्स सो राम कोई भी पर्सन का नाम नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट्स का नाम ले रहे हैं ठीक है राम येस सर एंड आर्टिकल्स का नेम हम मैंशन करेंगे ए एंड डी आदर आर्टिकल्स नंबर टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर चलेगा बच्चों का रेस्पॉन्स है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स यहाँ पे टीचर्स क्वेश्चन आंस कर रहे सोहन डू यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर कितने टाइप्स के आर्टिकल्स हैं सो यस सर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स अगर हिंदी में लेना चाहते हो तो संधि विपरीत शब्द विपरीत शब्द और कोई भी ग्रामर्स वाक्य कैसे बनते हैं उसके ऊपर भी ले सकते हैं सोहन सोहन क्या आंसर दे रहा देखो यस सर देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स डेफिनाइट आर्टिकल एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल ठीक है नेक्स्ट नंबर थ्री में हमने क्वेश्चन पूछा विजय कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा डेफिनाइट आर्टिकल है विजय बोल रहा है yes यस सर द देखो दी बोलो द बोलो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो एंड इट इज द डेफिनाइट आर्टिकल सतीश गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है सतीश द गंगा इज ए होली रिवर तो so, ये उसका एग्जाम्पल हो गया एंड ये उसके अकॉर्डिंग हमने क्या दिया रिवार्ड तो दैट इज वेरी गुड किसको बोला गया सतीश को फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा आरती गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल इनडेफिनाइट आर्टिकल का एग्जाम्पल दे दो सो ए ए एंड ए एंड एन आर द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड दिस इज एन इंक पॉट दिस इज एन इंक पॉट तो ये उसका एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग टीचर ने उसको वेरी गुड दिया ठीक है जब क्वेश्चन पूछते हैं तो री का भी कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाता है तो इसलिए री इन्फोर्समेंट क्वेश्चन प्रोविंग क्वेश्चनिंग इसका पैटर्न सेम है बस कॉम्पोनेंट अलग है ठीक है पैटर्न सेम है कॉम्पोनेंट्स अलग है देखो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में आ गए सो so, यहाँ पे पांच पॉइंट था कंपोनेंट्स में प्रॉम्प्टिंग सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन री फोकसिंग रीडायरेक्शन क्रिटिकल अवेयरनेस तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक कर देना है प्रॉम्प्टिंग टीचर्स यहाँ पे हेल्प करने कि नहीं प्रॉम्प्ट करने के लिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन कभी कभी बच्चों को ना पता रहता है बट बोल नहीं पाते सो दैट वी हैव टू प्रॉम्प्ट दैम ठीक है पीछे से थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है तो प्रॉम्प्ट कर दो हो जाएगा तो प्रॉम्प्टिंग सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन अगर बच्चे एंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड उसमें लैकिंग रह रहा है तो हमें क्या चाहिए ना हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तो ताकि बच्चों को और समझ आए और डिटेलली बोले तो टीचर ने यूज़ किया क्या इसका नो no. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वन दिया है रीफोकसिंग जब फोकस करने के बाद भी बच्चे अगेन कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं सो हमें रीफोकस करना पड़ता है तो दैट इज़ अ रीफोकसिंग के लिए हमने यूज़ किया ये टिक कर दिया एंड ये पॉइंट है फोर्थ आई थिंक फोर्थ थर्ड में है में टिक रीडायरेक्शन रीडायरेक्शन में भी देखो टिक किया फोर्थ में अगर direct, जैसे आप बच्चों को दे रहे थे तो उनको एक दिशा मिल रहा था, direction मिल रहा रहा था, था। अगर वो से नहीं जा रहे एंड uh, उस डायरेक्शन से हट चुके हैं तो अगेन रीडायरेक्ट करो एंड लास्ट वन इज क्रिटिकल अवेयरनेस अवेयर करना है। so, आपके टॉपिक से बच्चे क्या क्वेश्चन आंसर के थ्रू क्रिटिकली अवेयर हुए हैं ये सौ नो को आप माइंड में थिंक करेंगे उसके अकॉर्डिंग फोर या फाइव में टिक करेंगे सो so आपने देखा अभी क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चन प्रोविंग में ऑलमोस्ट सारा चीज़ सेम है एंड ऐसे ही आपको पीटीज एक्टिविटीज स्टूडेंट एक्टिविटीज दोनों में सेम लिखना है सिर्फ कॉम्पोनेंट्स अलग लिखने हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल के अंडर ठीक है एक में ग्यारह कॉम्पोनेंट्स हैं तो एक में बस पाँच कॉम्पोनेंट्स हैं क्वेश्चनिंग में पाँच है क्वेश्चन प्रोविंग में ग्यारह है इतना याद रखना है क्या हम है? क्लियर हुए एक्सप्लानेशन का बड़ा भाई है इलास्ट्रेशन एंड इलास्ट्रेशन में क्या बोला था एक्सप्लानीशन प्लस एग्जाम्पल इक्वल्स टू इलास्ट्रेशन ठीक है इलास्ट्रेशन में इलावरेट करते हो चीज़ों को डिटेल्ड बताते हो तो डिटेल कोई भी चीज़ों को अगर डिटेल्ड बताना है तो हम क्या करते हैं ईजिली बच्चे कैप्चर करेंगे विद एग्जाम्पल्स ठीक है कभी भी देखना कंसर्ट बता रहे हो सो एग्ज़ाम्पल्स दे दो ईजिली वो कैप्चर कर लेते हैं सो so, इसके अकॉर्डिंग हमें इलास्ट्रेशन में सेम जैसे लिखना है देखो पीटीज एक्टिविटी सेम है पीपल्स एक्टिविटी सेम है सेम तो आपको पता चल गया कि इलास्ट्रेशन में भी वही इंट्रोडक्शन देना है इलास्ट्रेशन का कॉम्पोनेंट्स लिखते हैं देन यहाँ पे देखो मैंने कुछ कुछ मिसिंग किया है नेम ठीक है रोल नंबर इधर आ गया रोल नंबर इधर लिखना टॉपिक सब्जेक्ट स्किल उधर जाएगा क्लास टाइम सेशन होगा इतना है ठीक है पूरे नौ पॉइंट्स होने चाहिए दैन पीटीज एक्टिविटी पीपल्स एक्टिविटी पीटीज़ एक्टिविटी दैट इज द पीपल्स टीचर एक्टिविटी मतलब टीचर्स एक्टिविटी को लिखना है यहाँ पे एंड पीपल्स एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स अब बोलोगे मैम यहाँ पे कंटेंट नहीं लिखना है नहीं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नहीं लिखना है नहीं लिखना है ठीक है डायरेक्टली आपको पीपल्स टीचर्स एक्टिविटी में जाना है एंड यहाँ पे पता है मतलब कंसेप्ट को डायरेक्ट लिखना है टीचर्स एक्टिविटी में ही आपको कंसेप्ट पूरा डायरेक्ट लिखना है जो सब्जेक्ट मैटर में लिख रहे थे सेपरेटली इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है जस्ट लाइक मॉडल्स के बारे में लिख रहे हैं कि मॉडल्स क्या है मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स बिकॉज ये इंग्लिश का था मेरा पूरा तो मैंने इंग्लिश का एग्जाम्पल्स पूरा क्लिक करके दे दिया है बस आपको क्या करना है पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है मैंने मॉडल्स का यूज़ किया डिफरेंट टाइप ऑफ जो मॉडल्स होते हैं उसका सो मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स विच एक्सप्रेस द मैनर ऑफ एन एक्शन विच इज़ कॉल्ड एज मॉडल ठीक है एज कैन गुड मे माइट एट्सट्रा ये सारे मॉडल्स हैं अभी उसका यूज एक एक का यूज़ दिया गया यूज़ ऑफ कैन उसका यूज़ दिया गया प्रेजेंट टेंस में कैसा होगा कैन आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है पास्ट टेंस में आपका आ, मतलब आपका यूज़ हो जाता है कुड यूज ऑफ कुड कुड इज़ यूज इन द पास्ट टेंस तो उसको लिखा गया अभी उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगा स्टूडेंट्स विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स इंडिया नोटबुक उसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन इट केयरफुली एंड नोट डाउन द एग्जाम्पल ठीक है जो जो आप लिख रहे हो साइड में यस yes, uh, आपने और क्या आंसर दिया कैन का यूज़ बोला था ना तो कैन के यूज़ के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यू कैन डांस वेरी वेल ये एग्जाम्पल है कौन दे रहा है स्टूडेंट दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बच्चे समझ चुके हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं इट कैन हैपन टू एनी वन देखो कैन रिलेटेड कितने एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं यू कैन गो होम नाउ स्टूडेंट राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल किसका था एग्जाम्पल था कैन का फिर किसका एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चे कुड का तो ये सारे कॉपी में बच्चे लिख रहे हैं नोट डाउन कर रहे हैं ठीक है सो कोड यू हेल्प मी आई कुड बाई ए सर्ट इफ़ आई हैड मनी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसको बाई करता ठीक है वो हो गया एक पेज का ही देना है आपको एक पेज का प्रेजेंटेशन देना है कोई भी क्वेश्चन टीचर्स ने यहाँ पे आस्क नहीं किया टीचर ने एक्सप्लेन किया अच्छे से एंड उसको बच्चा बस नोट डाउन करेगा विद एग्जांपल्स एग्जांपल्स मस्ट देना है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में जाना है इसके पॉइंट्स हैं पाँच एंड मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है आप फिलअप करके मुझे दिखाएंगे ठीक है कंपोनेंट्स क्या है रेटिंग स्केल क्या है रेटिंग स्केल वन टू फाइव में जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव अगेन बोल रही हूँ जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो या फिर खाना खाते हो ऑर्डर करते हो खाने के लिए तो उसके बाद क्या रहता है रेटिंग्स दे देना तो दैट रेटिंग्स इज़ वन टू थ्री फोर फाइव रेटिंग स्केल है रेलिवेंट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल का यूज़ करना ही बेटर होता है मतलब इलास्ट्रेशन विद एग्ज़ाम्पल होता है तो इसलिए सही एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ करना जो यूज़फुल है सिंपल एग्जाम्पल्स इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल्स यूज ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच मैथ्स साइंस फिजिकल साइंस सोशल साइंस इन लोगों के लिए मतलब so इन लोगों के लिए बोल रही है सो सॉरी इन सब्जेक्ट्स के लिए हमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच का यूज करना पड़ता है ठीक है एंड वेराइटीज़ ऑफ एग्जाम्पल्स आपके होते हैं रिलिवेंट जो टॉपिक के ओरिएंटेड हो यूजफुल हो सिंपल एग्जाम्पल्स बच्चे पढ़ाना रहता है ना तो सिंपल से कम्पलेक्स को मूव करते हैं तो सिंपल एग्जाम्पल्स पहले देते हैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स जब बच्चों के इंटरेस्ट को ड्रॉ करना है नेक्स्ट क्या है अप्रोप्रिएट मीडिया का यूज करना प्रॉपर मीडिया का यूज करना जो भी मीडिया आपका हो रहा है एग्जाम्पल्स के लिए नीड है वो अप्रोप्रिएट मीडिया का यूज करना एंड नेक्स्टली इंडक्टिव इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच का यूज करना तो ये आपके हो गए क्या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल अब बोलोगे ये इंट्रोडक्शन स्किल का भी एक दिया हुआ था देख लेना है बाद में आपको ठीक है स्टिमुलस वेरिएशन का दे रही हूँ नेक्स्ट किसका दे रही हूँ स्टिमुलस वेरिएशन का स्टिमुलस वेरिएशन का एंड लास्ट मैं आपको दूंगी री का री का पूरा एक लिख दिया है जैसे आपको डाउट ना हो ठीक है फटाफट देख लो स्टिमुलस वेरिएशन में क्या है अगेन सेम यहाँ पे ना हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था यूनिवर्सिटी से कि नेम छोड़ दो तो नेम छोड़ दिया था बट जब हमें कॉपी लिखना पड़ता है कॉपी में मतलब थ्योरी पेपर में लिखना पड़ता है तो नेम मस्ट देना है सो नेम इधर रोल नंबर यहाँ पे लिखना सब्जेक्ट टॉपिक स्किल इधर लिखो टाइम क्लास सेशन ठीक है इतना लिखना है एंड उसमें दो पार्ट देना है दो पार्ट में क्या मैंशन करने पीटीज़ एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी पी टीज एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी सो यस्टरडे वी रीड डिग्री ठीक है न, डिग्रीज होते हैं ना कंपैरिजन करते हो सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं कंपेरलेटिव डिग्रीज होते हैं जो आपके डिग्रीज होते हैं उसको लिखना है सो ये स्टडी वी रीड डिग्री टूडे वी विल लर्न अबाउट द कंपैरिजन ऑफ़ डिग्री कितने टाइप्स के डिग्रीज हैं उसके ऊपर करेंगे ठीक है सो हरी टेल मी वट इज़ कंपेरिजन ऑफ डिग्री अभी देखो क्वेश्चन आंसर इसमें भी है बट इसमें है कंसेप्ट भी बताना है एंड आंसर भी देना है स्टिमुली ऐसा कुछ दो जैसे बच्चे खुद से इंटरेस्ट होके के बताए ऑलमोस्ट तो क्वेश्चनिंग जैसा ही है सेम टाइप का है बस समझना है आपको कि अगर आंसर लिखने उसके साथ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंसेप्ट देना है सो हरी टेलमी वट इज दिजन ऑफ डिग्री तो हरी क्या बोल रहे हैं चेंज इन एडजेक्टिव टू शो दिन इज कॉल्डन ऑफ डिग्री यस सिर ने क्या बोला रिस्पॉन्स ये चेंज इन दू दो दिजन एग्जाम्पल मैंगो इज स्वीट मैंगो इज स्वीट स्वीट इज एन एब्जेक्टिव स्वीट क्या है एब्जेक्टिव है यहाँ पर स्वीट वर्ड का एक्जेक्टिव दिया गया अब देखो डिग्री ऑफ स्वीट स्वीट के कितने डिग्रीज हो सकते हैं नतीन स्वीट स्वीट एट स्वीटेस्ट वैसे गुड बेटर बेस्ट ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट कविता कैन यू टेल मी वाट इज द डिग्री ऑफ पुअर जब हम लोग गरीब बोलते हैं ज़्यादा गरीब उससे भी ज़्यादा गरीब सो so, उसको हम लोग यहाँ पर कविता उसको बोलेगी <coughs> कविता को बोलना था कविता ने रेस्पॉन्स दिया तो ठीक है ठीक है अदरवाइज आप उसको स्किप करेंगे कि नो रेस्पॉन्स वेरी गुड सिट डाउन स्माइलिंग फेस में हुआ देखो जो आपका एक्टिविटी रहेगा वो चीज़ लिखना पड़ता है यहाँ पे स्माइलिंग स्टूडेंट विल लिसन इट केयरफुली नाउ देन देखो पी टी गिवस द एग्जाम्पल पीटी यहाँ पे एग्जाम्पल भी देगा बोलोगे मैम देन एग्जाम्पल स्किल का क्या हुआ इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल सेम है सारा बट डेफिनेट स्किल मेंशन करना पड़ता है टीचिंग प्रोसेस में इसलिए स्टिमुलस वेरिएशन में थोड़ा सा कंसेप्ट भी होगा थोड़ा एग्जाम्पल्स भी होंगे क्वेश्चन भी होंगे ठीक है तीनों चीज़ यहाँ पर ऐड होता है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल ऑफ़ इलास्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स एंड इंट्रोडक्शन भी तो इसलिए तीन चीज का ऐड किया तीन चीज का ऐड किया तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको ऐसे मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस वेरिएशन फॉर एग्जाम्पल राम इज एन ओल्ड मैन राम इज ओल्डर देन मोहन राम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास देखो तीन ऑप्शंस में हमने ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट तीनों चीज़ का मैंशन किया दैन पी टी टेल्स अबाउट सुपरलेटिव डिग्री ठीक है कंपेरिजन में हमने एब्जेक्टिव का बोला था देन हम सुपरलेटिव डिग्री बोल रहे हैं सो इट शोज द हाइस्ट डिग्री ऑफ इक्वालिटी एंड क्वालिटी इक्वालिटी हम लोग कौन से में सेम सेम आ सकता है या क्वालिटीज में कैसा आ सकता है तो शीत uh, सीता क्या बोल रहे हैं सर ओल्ड इज द पॉजिटिव डिग्री ओल्ड ये hey, क्या है पॉजिटिव डिग्री है वो उन्होंने मेंशन किया कैन यू प्लीज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री रेज योर हैंड पूजा यू टेल पूजा ने क्या बोला राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल राम सबसे अच्छा है वो गया. Student क्या बोला गया स्टूडेंट लिसन एट केयरफुल बाकी बच्चे सुन रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल दो तो कॉम्पोनेंट्स में हो गए कितने कॉम्पोनेंट्स है सेवन कॉम्पोनेंट्स है फिलअप करना आप टीचर्स मूवमेंट टीचर ये पढ़ाते हुए कितना मूव कर रहे थे ये इंपॉर्टेंट है टीचर्स का जेस्चर कौन सा जेस्टर में कर रहे हैं भरबल नॉन भरबल चेंज इन स्पीच पैटर्न बात जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या अलग है या सेम है या स्पीच पैटर्न कैसा है फोकसिंग कौन से पॉइंट पर फोकस किया गया चेंज इन इंटरैक्शन स्टाइल इंटरेक्शन स्टाइल में ऑलवेज क्या है मॉडिफाई करना पड़ता है सेम टाइप का इंटरेक्शन रहेगा बोरिंग हो जाएगा एंड क्लास अच्छा नहीं रहेगा दैट मीन्स थोड़ा सा इफेक्टिव क्लास नहीं होगा स्टूडेंट्स को रिमेंबर नहीं रहेगा इसलिए ऑलवेज इंटरेक्शन स्टाइल में चेंजेस चाहिए

और इनडायरेक्ट प्रोसेस ठीक है सो इतना बताया था नेम क्या है देखो एंड री एन्फोर्समेंट कंसेप्ट आपका पैबला ऑफ स्कीनर ने यूज़ किया था ठीक है नेम आपका देना है रोल नंबर सब्जेक्ट टॉपिक ड्यूरेशन डेट क्लास सेशन स्किल नाइन पॉइंट्स अगेन सेम रहेगा अभी डायरेक्ट है पीटीज़ एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी नो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक नो नीड ऑफ सब्जेक्ट मैटर आपको डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट मैटर लिखना नहीं है कंटेंट एनालिसिस नहीं लिखना है पीटीज एक्टिविटी स्टूडेंट्स एक्टिविटी तो नंबर वन यहाँ पे हु वॉज़ होगा हु वॉज़ कल्पना चावला ठीक है इंग्लिश का ही टॉपिक है आंसर है कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट ठीक है एस्ट्रोनॉट भी बोला जाता है ये किसने बच्चे ने आंसर दिया स्टूडेंट ने आंसर दिया सो so हम क्या प्रेजिंग कर रहे हैं वो भी नीचे लिख रहे हैं वेल डन यूज़ प्रेजिंग वर्ड्स ठीक है यही चाहिए ये री एन्फोर्समेंट पार्ट है क्वेश्चन पूछोगे दैन बच्चा आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग री एन्फोर्समेंट करने के लिए री एनफोर्सिंग वर्ड यूज़ होगा पॉजिटिव वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वायर वॉज़ कल्पना चावला बॉर्न कहाँ पे उनका जन्म हुआ था कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा में है ठीक है आप लोग हरियाणा जब जाओगे वहाँ पे आपको कल्पना चावला मेमोरियल भी देखने को मिलेगा एंड कर्नल जगह भी है मे भी हुआ तो चांस आपका एग्जाम पड़ा तो आप देख सकते हो ठीक है करेक्ट आंसर ये कल्पना चावला के रिलेटेड जो भी बच्चे ने आंसर दिया उसको हमने लिखा करेक्ट आंसर एंड यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टिंग पीपल्स फीलिंग ऐसा हमने स्टेटमेंट यूज़ करना है जैसे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया बच्चों का फीलिंग्स को हमने एक्सेप्ट किया बच्चे ने जो आंसर दिया उसके फीलिंग को हमने समझा एक्सेप्ट किया नंबर थ्री फ्रॉम हयर डिड द कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूल एजुकेशन स्कूलिंग कहाँ से किया है कल्पना चावला कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्रॉम टैगर स्कूल ऑफ कर्नल ठीक है सो उसके आंसर को हमने एक्सेप्ट accept किया एक्सेप्टेड ऑफ आंसर एंड यूज़ अप पॉजिटिव नॉन वर्बल री एनफोर्समेंट पॉजिटिव नॉन वर्बल हम लोग क्लैप कर सकते हैं या फिर आ, कुछ थम्स अप दिखा सकते हैं कुछ ऐसा जेस्चर जो कि वर्ड्स नीट नहीं है ठीक है और भी आप एक्सटेंड करना चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो आपके कॉम्पोनेट्स हैं उसको मैंशन करना है बस एंड रेटिंग स्केल देना है वन टू फाइव में ठीक है इतना है सीरियल नंबर वन टू थ्री फोर दे देना इतना है क्या समन आ, मैं बता रही हूँ कि आपका ना री हो गया इलास्ट्रेशन विद एग्जाम्पल हो गए क्वेश्चनिंग हो गया क्वेश्चन प्रूविंग हो गया uh, ये जो भी आपके स्किल्स uh, हैं चार पांच स्किल्स हैं उसमें सेम पैटर्न है पीपल्स एक्टिविटी टीचर्स एक्टिविटी वही क्वेश्चन पूछना है एंड उसके साथ बच्चों का आंसर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना है ओनली आपके री में जो पॉजिटिव वर्ड्स आप प्रेज कर रहे हैं प्रेजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसको मैंशन करना है अदरवाइज और बाकी में यूज़ नहीं करना है ठीक है इतना ही है समझ आया स्किल्स कर लो बाकी का तीन स्किल्स को आप बस पढ़ के जाना उसमें आता नहीं है वो स्किल्स नहीं आते हैं एग्जाम में ठीक है ये सात स्किल आपको पढ़ाया सेवन स्किल्स एंड सेवन स्किल्स को ही आप प्रिपेयर करें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग दो मैथड्स हैं मैथड वन मैथड टू अपने टॉपिक को चूज करो एंड वन पेज का प्रेजेंटेशन होगा एंड नेक्स्ट पेज में आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ठीक है ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक बड़ा सा प्रिपेयर करो एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी डाउट्स होगा मुझे पूछना मैं बता दूंगी मैम Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.